नमस्कार दोस्तों, कालीन प्रचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्ले क्रेडिट कार्ड के बारे में। यदि आपने प्ले क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो वहाँ पे 500 रुपीज़ की फ़ी पे करने पर आपको जो वेलकम वाउचर मिलता है वो कब मिलेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। और जब भी आप 5000 रुपीज़ इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर ले तो उसका वाउचर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसके बारे में ना तो बुक माई शो ऐप पे कहीं पे लिखा हुआ है, ना तो RBL की साइट पे कहीं पर भी लिखा हुआ है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाउचर कब मिलता है और किस तरह से मिलेगा। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो ट्रांजेक्शन को यदि आप पूरा कर लेते तो ये जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आज हम पूरी डिटेल यहाँ से जानेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कस्टमर केयर से, जो आपके जो सारे सवाल है उसके सारे सवालों के आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएंगे। हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। नमस्कार, बैंक में आपका स्वागत है, मैं रहता कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले महीने मैंने 5000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर लिया था, तो प्ले क्रेडिट कार्ड में जो वेलकम वाउचर मिलता है 500 रुपए का जो रिवॉर्ड के तौर पे, तो क्या वो मेरे वो मुझे मिला या तो नहीं मिला? और दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि मैंने कार्ड लिया है तो कार्ड के साथ 500 रुपीज फी पे करने पर उस मंथ में कोई भी एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कर लेते तो आपको 500 रुपीज का वेलकम वाउचर मिलता है बुक माई शो पे, तो वो भी मिला या तो नहीं मिला, उसके बारे में भी बताइए। ओके सर, चेक करके बता देते हैं। सर लाइन पे बने रहिए। जो मेंबरशिप फीस लगी है आपको 500 रुपए प्लस 18% GST 90 रुपए, 500 रुपए 90 लगी है सर आपको मेंबरशिप फीस लगती है ये। हाँ जी। और सर बुक माई शो का ऑफर है जो आपकी हर ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलता है आपको, वो मैं चेक कर लेता हूँ कि अवेल आप कर सकते हो या नहीं, क्योंकि सर ये कोई ट्रांजेक्शन एलिजिबल होती है उसी के लिए जो ऑफर वैलिड रहता है। पहले तो आप ये बताइए सर कि फी पे करने के बाद कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग 500 रुपीज का वाउचर मिलता है, वेलकम वाउचर 500 रुपीज? यस, बता देते हैं आपको। हाँ, वो मिला या तो नहीं मिला उसके बारे में पहले बताइए। सर वेलकम बेनिफिट जो 500 रुपए का आपको मूवी डिस्काउंट मिलता है, तो वो ना सर तीसरी स्टेटमेंट तक मिलता है आपको, जब आप ये पे करोगे आप ये बिल को जो फीस लगी है वो पे करनी होती है। वो तो मैंने पे कर दी सर, चेक कर लेते हैं कि आपने कब पे किया है। जरूर। हाँ जी, 6095 रुपए की आपने पेमेंट की है सर। यस सर, 18 अगस्त को। तो सर ये तीसरी स्टेटमेंट तक मिलता है, तीसरी स्टेटमेंट यानी कि जो वेलकम तीसरा बिल बनेगा। क्या सर? जो तीसरा बिल बनेगा कार्ड का उसमें मिलेगा सर वो। सर आपने ये बताया कि मैंने फी तो पे कर दी, अब मुझे जो ये जो बेनिफिट है वेलकम वाउचर का ये तीसरे महीने में मिलेगा, ऐसा सर? हाँ जी, तीसरी स्टेटमेंट मतलब जो कार्ड का तीसरा बिल बने। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई भी कार्ड का वेलकम वाउचर तीसरे बिल में मिलता है सर, फी पे करने के बाद दूसरे मंथ में मिल जाना चाहिए ना सर? सर ऐसा तो सर आपने पहले भी कार्ड यूज किए हैं तो सर ऐसा तो नहीं है, आपको जो बैंक की तरफ से RBL बैंक की तरफ से ही हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको जानकारी। पर RBL की जो साइड है वहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा है सर तीसरे मंथ में मिलेगा, वहाँ पे लिखा नहीं होता सर, आपको इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर केयर से ही मिलेगी ना सर। हाँ, तो वो भी डिटेल, यदि आप फी की डिटेल डाल रहे हो तो वहाँ पर भी डालना चाहिए ना सर, आपको 500 रुपए का वाउचर है वो 3 महीने के बाद मिलेगा। ओके, ये मैं मान लेता हूँ। ओके सर, और अब ये बताइए कि मैंने 5000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन तो कर लिया सर, तो उसके बदले में मुझे 500 रुपए का वाउचर इस मंथ में मिल गया या तो नहीं मिला? वाउचर नहीं मिलेगा सर, आपको अवेल करना रहता है बुक माई शो। यस, वो तो मैं समझ गया सर, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ये है सर कि RBL की कोई भी एप्लीकेशन है सर वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ये 500 रुपए का। ओके, और दूसरा कि बुक माई शो के अकाउंट में भी मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पर भी ये मुझे शो नहीं हो रहा है, तो इसको रिडीम करने के लिए बुक माई शो पे मुझे जाना होगा, क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना होगा और प्ले क्रेडिट कार्ड का मंथली बेनिफिट वो सिलेक्ट करके डालना होगा, तभी मुझे पता चलेगा ना सर? हाँ जी सर। हाँ, आपको अवेल ऑफर का भी ऑप्शन आया वहाँ पे, क्योंकि बैंक की ओर से इस ऑफर के अवेलेबल इस ऑफर के लिए जब भी हम एलिजिबल होते हैं सर बैंक की ओर से कोई भी मैसेज नहीं मिलता कुछ भी नहीं मिलता सर। सर एक बार मेल पे चेक कर सकते हो, मेल पे भी आपको मिला नहीं? मैं मेल पे ही चेक किया,
मैसेज भी चेक किया, वहाँ पर कोई भी ऐसा मैसेज या तो मेल नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ सर। क्योंकि मेरे जैसे कई ऐसे कस्टमर है जो 5,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं, उसको बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन कब बेनिफिट मिलता है, कैसे मिलता है, मैं ना तो कोई मैसेज मिलता है ना तो कोई ईमेल आता है, तो ऐसे ही उसका जो बेनिफिट होता है ना वो चला जाता है सर, इसलिए मैंने आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किया है। चाहेंगे आपको ऑफर, जैसे आपने कार्ड पे 5,000 यूज कर दिए, राइट, ठीक है, ठीक है, 5,000 आपने यूज कर लिए, तो आपको पता है कि इस कार्ड पे आपको ऑफर रहता है कि 5,000 के अगर आप ये अवेल करते हो, जो मतलब जो परचेज करते हो कार्ड से, तो आपको बुक माई शो पे ऑफर अवेल का बेनिफिट रहता है इस कार्ड पे। पर सर, तो सर वो आपको हाँ, जब आपने परचेज कर लिया, एक बार आपको वहाँ पे विजिट करना रहेगा बुक माई शो के जो ऐप है, वहाँ पे मंथली बेनिफिट पे जाकर जो ऑफ अवेल ऑफर का ऑप्शन आता है वहाँ से कर सकते हो सर आप इजीली। पर अगर आपको नहीं मिलते सर, बैंक की तरफ से कोई मैसेज इंटीमेट या नहीं किया जाता है सर, तो उसके लिए मैं केस आपका हाईलाइट कर देता हूँ कि ऐसा जनरल इंक्वायरी मेंशन कर देते हैं सर कि आपने कॉन्टेक्ट किया था, तो आपको जो वहाँ पे मैसेज के जरिए भी चाहिए, राइट सर। मेरे जैसे कई ऐसे कस्टमर होंगे ना सर, उसको पता चलेगा ना कि उसने 5,000 ट्रांजेक्शन कर लिया तो उसको ऐसा बेनिफिट मिला है, तो वो भी यूज कर पाएगा, राइट सर। और एक दूसरा क्वेश्चन था सर, इस क्रेडिट कार्ड से यदि मेरे छोटा मोटा अमाउंट तो स्पेंड हो जाता है, जैसे कि 4,000 या तो 3,000 या तो 3,500 रुपीज, तो यदि कुछ ट्रांजेक्शन बाकी रहता है, तो मैं कोई भी फ्लिपकार्ट का वाउचर, क्रोमा का वाउचर या तो अमेजोन का वाउचर खरीद लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, तो क्या इस ऑफर के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा सर वाउचर लेने पर? सर बताना चाहेंगे सर आपको ना जो पूरा बता देते हैं, जो वेबसाइट पे भी आपने देखा होगा वैसे, इस पे ना जो भी पेट्रोल पे ट्रांजेक्शन नहीं, करोगे, पेट्रोल नहीं सर, रेंटल पे, पेट्रोल नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, क्रोमा है, उस पे तो होगा सर, क्योंकि होगा ना सर। देखिए हाँ जी, पेट्रोल पे और रेंटल पे, वॉलेट पे, इंश्योरेंस पे, यूटिलिटीज पे, गवर्नमेंट सर्विस पे, इन जितनी भी जो मैंने आपको बताया इनके अंडर जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस पे नहीं अवेल कर सकते। ओके, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे बुक माई शो का जो बेनिफिट है 2 मूवी टिकट का, वो आप नहीं ले पाएंगे, ऐसा ना सर? लेकिन कोई भी ई कॉमर्स का वाउचर है, उसको यदि आप परचेज कर लेते हैं मंथली में 5,000 से ज्यादा का, तो हो जाएगा, हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर जी। तो यहाँ पे आपने सुना कि कस्टमर केयर से हमने जो बात की, वहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो वेलकम वाउचर है आपको 3 महीने के बाद ये देखने को मिलता है, जबकि दूसरे क्रेडिट कार्ड के जब भी फी पे करते हैं तो दूसरे मंथ में ये बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 महीने के बाद आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे ही ऑफर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं नई वीडियो में नई कार्ड के साथ, नई ऑफर के साथ। जय हिंद, जय भारत।